नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विधान परिषद वाले राज्यों को जानने वाले हैं जिनकी कुल संख्या 7 है, लेकिन उन सबसे पहले हम जानेंगे कि विधान परिषद होता क्या है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब है एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। केंद्र के अलावा राज्य में लोकसभा की तरह ही विधानसभा होती है, जहाँ के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा, स्थानीय जनता के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है विधान परिषद की, यह कंपलसरी नहीं है कि सभी राज्यों में होगा। यह कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर कोई राज्य चाहता है तो रख सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, राज्य का आकार भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्किम रख लेगा, ऐसा नहीं है कि त्रिपुरा रख लेगा, इसके लिए राज्य का भी बड़ा होना आवश्यक है। तो ये राज्य में ही एक तरह से राज्यसभा के प्रकार का ये भी एक सदन होता है, जो कि अस्थायी होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को आप समझ गए होंगे। और ये विधानसभा लोकसभा की तरह होता है 5 सालों के लिए। अब हम आते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो इसको बंच में, इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा, आप इसको बंच में याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा एक बार में। इसके लिए फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है, हर चीज के लिए फॉर्मूला लगाना भी सही नहीं है। इसको बंच में याद करें। एक आप शुरू कर दें, बिहार और यूपी, एक साथ दोनों स्टेट की सीमा लगती है, इन दोनों में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों की सीमा लगती है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, तो यहाँ भी है। अब आइए महाराष्ट्र और कर्नाटक, दोनों की सीमा लगती है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं, एक साथ याद हो जाएगा। और एकमात्र जो अलग है वो है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 7 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद की व्यवस्था रखी गई है। और विधान परिषद रखने के लिए राज्य जो है अपने विधानसभा से मत को पारित करवाता है, उसके बाद की प्रक्रिया से यह विधान परिषद की स्थापना उस राज्य में हो जाती है, और फिर उसी प्रक्रिया से उसे हटाया भी जा सकता है। तो ये 7 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं। आशा है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी आसानी से, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर नीचे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।